सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से मेरा पहले वाला लाइव स्टॉप हो गया है, नया स्टार्ट करना पड़ा है मुझे। आई रियली सॉरी। तो मैं बताना चाह रहा था कि आयरन की कमी की वजह से लीवर की जो प्रॉब्लम होती है वो भी कम हो जाती है। जैसे कि अगर आयरन ब्लड डोनेशन के थ्रू बाहर निकलता है तो लीवर की जैसी जो समस्याएं होती है, लीवर की जो डिजीज़ होती है वो कम हो जाती है जी। दूसरी बात हम रखते हैं, ये हो गए अपने फायदे ब्लड डोनेशन के बाद। और सबसे बड़ा फायदा है कि जो खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं होता। दूसरा फायदा, कौन ब्लड डोनेशन कर सकता है और कौन ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जिसकी एज 18 साल से 65 साल तक है वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। अब लोग कहते हैं या ब्लड बैंक वाले मना करते हैं या किसी और से सुनाया जाता है कि 50 साल तक ही हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जी हाँ, सही कहते हैं, 65 साल तक वही बंदा ब्लड डोनेशन कर सकता है जिसका ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। जैसे कि आर्मी मैन, स्पोर्ट्समैन या कोई मेहनत करने वाला इंसान जो कि रेगुलरली अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज वगैरह यूज़ करता है, उसका ही 65 साल तक की एज ग्रुप में ब्लड डोनेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन एज ग्रुप ले लेते हैं 18 से 65 साल। ठीक है, जो क्राइटेरिया है WHO का वो बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि वेट कितना लिया जा सकता है। तो वेट में बता देता ना चाहता हूँ आपको, 50 किलो मिनिमम होता है, मतलब 50 किलो से ऊपर ही जिसका वेट होगा उसको ही ब्लड डोनेशन करवाया जाएगा। ठीक है, 50 किलो वजन हो गया। अगर जिसका 50 किलो वजन नहीं बैठता है तो उसे ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड डोनेशन नहीं करवाया जाता। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि तीसरा ऑप्शन, कि जिसकी कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज ना हो, जैसे कोई कैंसर ना हो, हार्ट अटैक ना हो, कोई एलर्जी वगैरह ना हो, किसी के हेपेटाइटिस ना हो, थैलेसीमिया ना हो, सॉरी थैलेसीमिया तो बच्चों को होता है ना, और ल्यूकेमिया, हेमोसिफिलिया ऐसी वगैरह जो डिजीज होती है ये ना हो, उनका ब्लड डोनेशन नहीं होता। अगर ये होगी तो ब्लड डोनेशन नहीं होगा, और अगर नहीं होगी तो वो कब पता चलता है कि अपना ब्लड सैंपल लेकर ब्लड बैंक टेस्ट करता है, उसके बाद ही ब्लड के लिए ब्लड डोनेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला क्या होता है कि ब्लड डोनेशन करने से पहले 24 घंटे पहले लगभग लगभग किसी भी नशे का, कोई भी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग वगैरह, कोई भी नशा या पेय पदार्थ जिससे कि नशा हो, ऐसा ऐसी चीज़ नहीं ली हो उसने, उसका ब्लड डोनेशन हो जाएगा। अगर ली है तो उसका ब्लड डोनेशन नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं कि रक्तदान, हाँ सॉरी जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस चीज को धंधा बना लेते हैं। वो क्यों धंधा क्यों बना रहे हैं, अपने से पैसे में ब्लड डोनेशन क्यों करवा रहे हैं, वो है अपनी जागरूकता। इस पेज के माध्यम से मैं यही बताना जाना ज्यादा जरूरी समझ रहा हूं कि हमें जागरूकता लानी है अपने देश में, अपने राज्य में, अपने जिले में, अपने गांव में, अपनी गली के अंदर। हर बंदे को, हर फैमिली को एजुकेट करना है, जितना एजुकेट हो सके उतना एजुकेट करना है कि ब्लड डोनेशन करने से 1% भी नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदे ही फायदे हैं। अगर किसी को लगता है कि नुकसान है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, टाइप कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जितनी हो सकती है उतनी करूंगा। हम आपके माध्यम से, आप सभी के सहयोग से, भगत सिंह जीवन दादा टीम 2 साल से कार्यरत है टोंक के अंदर। जितना हो सकता है हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हर फैमिली को जागरूक कर रहे हैं। जी मोहित जी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप समझदार है, आप एजुकेटेड है, आप जानते हैं कि ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान नहीं होता, तो प्लीज 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 आप सभी को बताइए कि ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान नहीं होता, ताकि किसी फैमिली मेंबर्स को ब्लड की वजह से अपना परिवार का मेंबर खोना ना पड़े, अपने परिवार के मेंबर को मतलब मुश्किल घड़ी में वो अपना ब्लड डोनेशन करके, हालांकि दूसरा को नहीं दे देकर अपने फैमिली मेंबर्स की तो वो
इतनी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स है, तब तक हमें ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जनसरोकार मंच का धन्यवाद करता हूँ, देवेंद्र जी जोशी भाई साहब का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस एक नाचीज़ को छोटा सा लाइव पेश करने का आदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर मेरे लायक कोई भी सेवा हो टोंक जिले के अंदर, जयपुर, भीलवाड़ा, कहीं पर भी आपको मेरे लायक सेवा हो, हमारी टीम की सेवा हो, तो आप जरूर हमारी टीम से संपर्क कीजिएगा। हमारी टीम का हर एक मेंबर इतना ही जरूरी है जितना एक फैमिली का एक सदस्य होता है। एक छोटा सा परिवार है भगत सिंह जीवनदाता टीम। आप सभी का स्वागत है कि आप सभी जुड़े और लोगों तक ये बात पहुंचाए कि ब्लड डोनेशन करने से कोई नुकसान नहीं होता और रक्तदान करना जरूरी है, जरूरी है। आप किसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बजाय आप उस जन्म दिवस को मानवता दिवस में बदलकर रक्तदान या रक्तदान करवाकर लोगों की जिंदगियां बचाए, किसी के एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करें तो रक्तदान कैंप लगवाकर सेलिब्रेट करें, ताकि अपनी एक छोटी सी पहल से लाखों जिंदगियां बच सके। और मैं जनसरोकार मंच का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमारी टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि भगत सिंह जीवनदाता टीम से जुड़े और लोगों की जिंदगियां बचाए। आपका एक छोटा सा प्रयास कहीं जिंदगियां बचा सकता है, करके देखो, अच्छा लगता है। मेरे नंबर नोट कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मैं नंबर आपके सामने साझा करना चाहता हूं। अगर आपको थोड़ा सा कष्ट होगा आप नंबर लिख लीजिएगा। किसी भी ज़रूरतमंद को, वास्तविक ज़रूरतमंद, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कौन ज़रूरतमंद होता है, उसको अगर ज़रूरत है ब्लड डोनेशन की, तो आप आधी रात को भी हमारे टीम मेंबर्स से, किसी भी टीम मेंबर से फ़ोन पे बात कीजिएगा, वो आधी रात को भी आपके लिए तैनात खड़ा मिलेगा। आज हमारी जो टीम टोंक के अंदर कार्यरत है वो हमारे सभी टीम मेंबर्स की वजह से हैं। अगर हमारे टीम मेंबर्स नहीं हैं तो हमारी टीम अधूरी नहीं, बिल्कुल ख़त्म है। सब कुछ टीम मेंबर्स की वजह से हो रहा है। हम एक कॉल करते हैं किसी भी भाई को तो वो तैनात खड़ा होता है। बस सोच बदलो ताकि टोंक के अंदर भी कोई कमी ना आए ब्लड की। जैसे चित्तौड़गढ़ वगैरह डिस्ट्रिक्ट है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर हैं, उसमें सभी में गर्ल्स भी डोनेट करती है, तो मैं भी चाहता हूं कि टोंक की महिलाएं भी ब्लड डोनेशन करें और सभी की सोच बदले। मेरे नंबर नोट कीजिएगा, मैं एक बार बोलना चाहूँगा, 8233525625 8233525625। ये मेरे नंबर है, आप मेरे पास मैसेज की कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको ब्लड, हमारे जो ब्लड ग्रुप है, जो टीम का ग्रुप है, उसमें मैं ऐड कर दूंगा और आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, करके देखो, अच्छा लगता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।